हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो जैसे कि ये प्लेलिस्ट सीक्वेंस के अनुसार चलते आ रहा है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज, और इसके बाद ये प्लेलिस्ट समाप्त हो जाएगा। और मैं बता दूं कि ये पॉलिटी पूरी तरह से आपका जितना भी सिलेबस में चीजें होती हैं वो कम्प्लीट हो जाएगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों। तो अब इसके बाद आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, बस आपको यही चीजें रिविजन करनी है। और नोट्स के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके logicalclasses.in पे जाके आप नोट्स परचेज कर सकते हैं वहां पे। और ये बता दूं कि ये नोट्स आपको हर एक एग्जाम में काम करेगा, तो यूपीएससी से लेके पीसीएस और जो भी अदर एग्जाम होंगे उसमें भी ये नोट्स आपका पूरी तरह से मदद करेगा। और मैं बता दूं ये नोट्स कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, 135 पेज का ये नोट्स होगा आपके लिए। और इसके बाद पॉलिटी में आपको कुछ भी नहीं सोचना है, और आप प्रीवियस ईयर पेपर बना के देख सकते हैं, और चाहे तो आप जो अभी एग्जाम कोई करेंट में हो रहा है तो उससे भी मिला सकते हैं कि क्वेश्चन इस नोट से आ रहा है कि नहीं। तो टोटली क्वेश्चन आएंगे, आप इसका निफिकिर रहिए, और बस इसको रिविजन करना है आपको। और जो ये लेक्चर है इसको सिक्वेंस से आपको देख लेना है, उसके बाद ये आपका सब्जेक्ट कम्प्लीट हो जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है, तो लास्ट में ही ये टॉपिक होता है अधिकतर, तो बहुत सारे लोग तो नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन मैं बोला हूँ कि 360 डिग्री में ये पॉलिटी कंप्लीट किया जाएगा आपका। और मैंने ये भी बताया था कि किसी बुक की जरूरत नहीं है इसके बाद देखने की, तो ना आपको एनसीईआरटी देखनी है अब, और ना ही आपको एम लक्ष्मीकांत देखना है, और जो भी आप बुक लोग सजेस्ट करते हैं कोई बुक नहीं देखना है। तो ये जो नोट्स है आपका 5-6 बुक को मैंने मिला के बनाया, तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है ये नोट्स में। और ये पॉलिटी जो क्लास हुई है हमारी, इसमें कुछ भी नहीं सोचना है। और जितने बड़े बड़े आप कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम सुनते होंगे, तो ये उनका भी नोट्स का निचोड़ इसमें रखा गया है। तो अब हम देख लेते हैं इसमें प्रमुख संविधान संशोधन, इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट के बारे में तो मैंने शुरू में ही बताया था कि अमेंडमेंट की प्रक्रिया क्या है, तो 368 के द्वारा अमेंडमेंट होती है, और तीन तरह से मैंने बताया था, तो वो सब चीजें तो हम देख चुके हैं। अब हम इसमें बस देखेंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ। तो अमेंडमेंट का इसलिए प्रोविजन दिया गया था कि संविधान हमेशा चेंज होते रहे लोगों की जरूरत के अनुसार। तो अब जैसे 1950 में हमें जो जरूरत थी, तो वो जरूरत आज आपको हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, और आपको नया चीज इंप्लीमेंट करने का भी जरूरत होगा। तो अब इंप्लीमेंट करिएगा जो भी चीज, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन को भी उसी अनुसार चेंज करना पड़ता है, तो इसी वजह से संविधान संशोधन किया जाता। तो हम इसमें एक एक अमेंडमेंट देख लेंगे। तो अब तो मैं सारे अमेंडमेंट आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए हैं वो मैं आपको बता दूंगा, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आए भी हैं और आगे आएंगे भी। तो पहला हम देख लेते हैं प्रथम संविधान संशोधन। तो यह 1951 में हुआ था, और इसमें हुआ क्या कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो ये मैंने आपको जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे तब भी बताया था, और डीपीएसपी मैंने पढ़ाया था तब भी इसको बताया था, तो आप उसको सीक्वेंस में जाके देख सकते हैं वहाँ पे। तो आर्टिकल 19(2) में हुआ लोक व्यवस्था, विदेशी राज्य मैत्री, अपराध करने हेतु उत्प्रेरित का प्रावधान, तो ये सब जोड़ा गया। तो आप विदेशी राज्य से जो हमारे संबंध है तो उसको खराब करने के लिए कोई भी कमेंट वगैरह नहीं कर सकते हैं, चाहे लोक व्यवस्था है, तो ये सब चीजें बनाई रखने के लिए इसमें सरकार को कुछ पावर दिया गया। और इसी में भूमि सुधार आर्टिकल 31 में 31A जोड़ा गया और 31B भी जोड़ा गया, तो ये मैंने बता दिया है, तो वो सब चीजें आप जाके पीछे देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बस थोड़ा थोड़ा बताते चलूंगा, अब मैं डीपली यहाँ पे नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट हमें देखने हैं यहाँ। और 15A भी ऐड किया गया, इसमें सामाजिक प्लस शैक्षणिक रूप में पिछड़े वर्गों के लिए इसमें प्रोविजन किया गया। तो अब हम देख लेते हैं हमारा दूसरा संविधान संशोधन 1952 में जो हुआ, उसमें संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व लागू करने के लिए हुआ, तो संसद में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है तो इसलिए ये अमेंडमेंट किया गया था। और इसके बाद हुआ 7वां संविधान संशोधन हमारा 1956 में, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953 लागू हुआ, इसी में इसी के तहत राज्य जो पुनर्गठन हमारा हुआ इसी के तहत बनाया गया। और सुप्रीम कोर्ट के मौलिक अधिकार में प्लस हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट में वकालत का अधिकार दिया गया, तो जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होंगे वो सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकते हैं, ये बोला गया। और प्रथम और चतुर्थ अनुसूची में भी संशोधन हुआ, और आर्टिकल 80(1), 81(82) इसमें भी संशोधन हुआ था कुछ कुछ, तो ये थोड़ा थोड़ा आप जान ले बस। और अगला हुआ कि 9वां संविधान संशोधन 1960 में हुआ, और इसमें बेरुबारी मामला के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला, किसी क्षेत्र को अगर विदेशी को देना है तो आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा, ये इसमें बताया गया। और प्रथम अनुसूची संशोधन कर बेरुबारी क्षेत्र को पाकिस्तान को दिया गया, इसी के तहत 9वां संविधान संशोधन के तहत। और हम देख लेते हैं 10वां संविधान संशोधन, इसमें हुआ कि दादर और नगर हवेली जो क्षेत्र है इसे यूटी से राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया, दादर और नगर हवेली को राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया 10वां संविधान संशोधन 1961 द्वारा। और अब हम देख लेते हैं 15वां संविधान संशोधन 1963
1961 में हुआ, ये आप ध्यान में रखेंगे। और इसमें आर्टिकल 271 और 124 में संशोधन किया गया। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति जो है वो 62 वर्ष कर दी गई। और आर्टिकल 222 में भी हुआ, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश है उनको अन्य हाई कोर्ट में भी स्थानांतरित करने का संवैधानिक बनाया गया इसमें। और 17वां संविधान संशोधन 1966 हम देख लेते हैं कि भूमि का मुआवजा व्यक्तिगत हित के लिए भू अधिग्रहण प्रतिबंधित किया गया। तो जो भूमि ली जाएगी तो वो व्यक्तिगत हित के लिए नहीं ली जाएगी, क्योंकि पहले फंडामेंटल राइट था भूमि रखना आपका। और अब हम देख लेते हैं 24वां संविधान संशोधन 1971 में। तो इसमें FR मतलब फंडामेंटल राइट में संशोधन किया गया, और राष्ट्रपति संविधान संशोधन पर अनुमति देगा ये भी कर दिया गया कि अब कोई भी अमेंडमेंट होता है तो उस पर राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही देनी हो। और यहीं पे हम देख लेते हैं 25वां संविधान संशोधन हमारा 1971 में ही हुआ, संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती की गई इसमें, और आर्टिकल 39B और लागू होगा। अगर ये आर्टिकल 14, 19 और 31 का उल्लंघन करते हैं तब भी इनको चुनौती नहीं दी जा सकती है, इसमें ये कहा गया। तो ये सब बहुत ही हम डीपली पढ़ चुके हैं अपने DPSP ये सब लेक्चर में फंडामेंटल राइट, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं इसको। और 27वां संविधान संशोधन भी हुआ 1971 में, तो UT के प्रशासक अध्यादेश इसमें जारी कर सकते हैं ये बोला गया। और अगला हम देख लेते हैं हमारा 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था, इसमें सिक्किम को सहयोगी राज्य भारत का बनाया गया प्लस 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया इसमें 35वां संविधान संशोधन द्वारा। और 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ, इसमें हुआ कि सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया। तो पहले तो सहयोगी राज्य बनाया गया, सहयोगी राज्य मतलब कि जैसे कि उसके इंटरनल मामले में दखल नहीं दिया जा सकता है, लेकिन जो भी बाहरी मामले हैं रक्षा वगैरह का इसमें भारत का हस्तक्षेप होगा। लेकिन बाद में सिक्किम को पूर्ण राज्य बना दिया गया, मतलब जैसे कि बाकी राज्य हैं वैसे ही सिक्किम भी एक राज्य होगा। और 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया इसमें। और अब हम देख लेते हैं 38वां संविधान संशोधन 1975 जो हुआ था हमारा, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा गैर बाध्य योग घोषित कर दिया गया, मतलब कि इसकी जांच नहीं हो सकती। और इसमें हुआ कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, यूटी के प्रशासक के अध्यादेश गैर बाध्य योग है, मतलब इसकी भी जांच नहीं हो सकती इसमें किया गया था। तो ये जो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रहा था ये सब तब का मामला है। और अब हम देखते हैं ये हमारा 42वां जो संविधान संशोधन है, और यहीं भी हम देख लेंगे 44वां संविधान संशोधन, क्योंकि दोनों में बहुत सारी चीजें हुई थी। और जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था इसी को कुछ प्रोविजन को चेंज करने के लिए 44वां अमेंडमेंट जनता पार्टी गवर्नमेंट लाई थी, तो ये इंदिरा गांधी जी लाई थी इसको 42वां अमेंडमेंट को। तो इस बहुत सारी चीजों को चेंज किया गया था, इसी को सुधारने के लिए 44वां संविधान संशोधन आया। तो जो ये 42वां संविधान संशोधन है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया था, क्योंकि बहुत सारी चीजों को इसमें चेंज किया गया था। तो अब हम देख लेते हैं इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये तीन शब्द तो जोड़े गए थे जो हमारे प्रस्तावना है इसमें। और फंडामेंटल ड्यूटी भी हमारा जोड़ा गया था इसी के तहत स्वर्ण सिंह समिति के कहने पे। और राष्ट्रपति कैबिनेट का सलाह मानेगा ये बाध्यकारी बनाया गया इसी के तहत। और इसमें ये भी किया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा वो न्यायिक जांच से बाहर रहेगी, मतलब इसकी न्यायिक जांच नहीं हो सकती। और लोकसभा और स्टेट असेंबली के कार्यकाल को 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया। और DPSP फंडामेंटल राइट पे वैलिड रहेगी, मतलब DPSP ऊपर रहेगी फंडामेंटल राइट से। और DPSP में ऐड किया गया निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योग में भागीदारी, पर्यावरण संरक्षण, ये सब जोड़ा गया DPSP में। और संसद प्लस विधानमंडल में कोरम की आवश्यकता को समाप्ति कर दी गई कि कोरम ना भी हो तो कार्य चलेगा इसमें। तो कोरम मतलब कि 1/10 सदस्य होते हैं उनको कोरम बोला जाता है। और शिक्षा, वन्य वन्य जीव, ET को समावर्ती सूची में लाया गया। समावर्ती सूची मतलब दोनों लोग अब कानून बना सकते हैं इसमें। तो इतने चीजें की गई इसमें 42वां अमेंडमेंट में। अब हम देख लेंगे इसमें 44वां अमेंडमेंट, तो इसको सुधारने के लिए लगभग लाया गया। वह उपबंध समाप्त किया गया जिसमें न्यायालय, राष्ट्रपति, PM, अध्यक्ष, CTC का निर्वाचन जज नहीं कर सकते। तो ये सब चीजों को जांच के दायरे में लाया गया सुप्रीम कोर्ट के। और जो ये कैबिनेट का सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया था इसको बदल के 1 बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, ये प्रोविजन किया गया। और जो ये लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था फिर इसको 5 वर्ष कर दिया गया। और फंडामेंटल राइट में संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया यहीं से। और आर्टिकल 20 और 21 को नेशनल इमरजेंसी में भी निलंबित नहीं किया जा सकता ये भी बनाया गया, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी में बहुत सारे नेताओं को जेल में बंद किया गया था इस वजह से। और कोरम को पूर्वतः मतलब जो पहले था वो कर दिया गया फिर से। और राष्ट्रपति आपात आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह पे ही लगाएंगे ये बोला गया इसमें। और आपात में लिखित देना पड़ेगा जो कैबिनेट है उसको, तब जाके आपात लगेगा, प्रेसिडेंट लगाएंगे इसमें ये बोला गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, हमने देख लिया। अब हम अगला देख लेते हैं इसमें
52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था हमारा, तो इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया प्लस 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था। और इसमें 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ। और लोकसभा और स्टेट जो लेजिस्लेचर है उसमें वोट की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई इसमें। और हमारा 67वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ, तो इसमें पंजाब में प्रेसिडेंट रूल को 4 वर्ष तक किया गया, तो प्रेसिडेंट रूल काफी दिनों तक पंजाब में रहा है। और पहले प्रोविजन था कि 3 वर्ष ही, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में है कि 3 वर्ष से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, और 3 वर्ष में भी रखने के लिए उसमें 2 कंडीशन थे, तो यहाँ पे अब 3 वर्ष से भी ज्यादा जाना था, इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा है। और अगला है हमारा 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ। इसमें हुआ कि दिल्ली को विशेष राज्य दर्जा दिया गया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी क्षेत्र इसमें बनाया गया, मतलब NCR बना दिया गया। और इसमें 70 विधानसभा की सीटें और 7 लोकसभा की सीट बनाई गई इसी के द्वारा। और 70वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, इसमें हुआ कि राष्ट्रपति निर्वाचन में दिल्ली और पुदुचेरी दोनों वोट कर सकते हैं। और 73वां 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, पंचायती राज्य के लिए 73वां, शहरी सरकार के लिए 74वां संविधान संशोधन हुआ था। और इसको 11 अनुसूची में जोड़ा गया, मतलब 11 अनुसूची ऐड की गई और इसमें 12वीं अनुसूची ऐड की गई। तो अब हम अपना अगला देख लेते हैं, 76वां संविधान संशोधन हमारा हुआ, ये 1994 में हुआ। और तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम 1994, 69% जो इन्होंने आरक्षण दिया था शैक्षणिक प्लस राज्य सेवा में, इसे 9वीं अनुसूची में ऐड कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, इसको पलटने के लिए ये किया गया। और 9वीं अनुसूची मैंने बता दिया है, तो वहाँ पे आपने देखा ही होगा। और 77वां संविधान संशोधन 1995 में हुआ, इसमें सरकारी नौकरियों में SC ST लोगों को प्रोन्नति, मतलब कि प्रमोशन के लिए आरक्षण व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को समाप्त के लिए, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला था कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो उसको समाप्त करने के लिए ये अमेंडमेंट किया गया। 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ, इसमें हुआ कि लोकसभा और स्टेट जो लेजिस्लेचर है इसमें सीटों को 25 वर्ष तक, मतलब 2026 तक इसमें पुनर्निर्धारण पर रोक लगा दिया गया। 1991 के आधार पर ही होगा जो सीट का निर्धारण। और अगला है हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, इसमें आर्टिकल 21 में एक खंड A1 जोड़ा गया खंड को, और इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा देने का फंडामेंटल राइट बना दिया गया, और इसे DPSP में भी जोड़ा गया है, और फंडामेंटल ड्यूटी भी बना दिया गया, मतलब कर्तव्य कि नागरिकों को 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराया, मतलब माता पिता का ये ड्यूटी बना दिया गया है, मतलब DPSP से इसमें लाया गया था फंडामेंटल राइट में। और हम देख लेते हैं 87वां संविधान संशोधन हमारा हुआ था, तो इसमें हुआ कि पुनर्निर्धारण जो सीटों का था उसे 1991 से बढ़ा के 2001 कर दिया गया, मतलब सीटों का लोकसभा और स्टेट विधानसभा के लिए। और 88वां संविधान संशोधन हमारा 2003 में हुआ, इसमें हुआ कि जो सेवा कर है तो आर्टिकल 268A में केंद्र सरकार को दे दिया गया, तो सर्विस टैक्स केंद्र सरकार लगाती है। और 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, इसमें हुआ कि मंत्रिपरिषद PM को लेके 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं, और 75वां 1A में इसको ऐड किया गया, और राज्य में भी इसको CM को लेके नहीं हो सकते, मतलब न्यूनतम 12 तो होना ही चाहिए, तो जहाँ पे कम सीट है वहाँ पे 12, मतलब 12 होने चाहिए, और 15% जहाँ ज्यादा है उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं, तो आर्टिकल 164A जोड़ा गया इसमें। और एंटी डिफेक्शन लॉ में भी कुछ संशोधन हुआ था। और अगला हमारा है 99वां संविधान संशोधन, तो इसमें NJC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया था, तो इसको रद्द कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया इसको। और 100वां संविधान संशोधन हमारा हुआ कि कुछ भूभाग बांग्लादेश को दिए गए और कुछ हमने भी लिया उनसे, तो अधिग्रहण और उनको भी कुछ हस्तांतरण किए गए, मतलब ट्रांसफर। और 101वां हमारा संविधान संशोधन हुआ, तो इसमें GST को लगाया गया 2016 में। और 103वां संविधान संशोधन हमारा हुआ 2019 में, तो इसमें पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं जो उनको भी आरक्षण देने का प्रोविजन किया गया, वर्गों को आरक्षण का। और आर्टिकल 16 में संशोधन हुआ, मतलब 10% आर्थिक वर्ग जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको आरक्षण देने का प्रोविजन किया गया। तो ये हमारा इतना टॉपिक था संविधान संशोधन में, तो इसे हमने देख लिया, तो ये अब हमारा पॉलिटिकल लेक्चर समाप्त होता है। तो अब मैं बता दूं आप लोगों को कि बस आप लोगों को कुछ नहीं देखना है, इसी लेक्चर को देखना है, तो आप बहुत सारे क्लास देखे भी होंगे और क्वेश्चन भी बनाया होगा, तो आपको लग गया होगा कि इसमें सारे क्वेश्चन आ गए हैं, तो आपको कुछ नहीं सोचना। मैं कई बार ये बातें बोल चुका हूं कि कुछ भी नहीं सोचना है, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो ऐसे ही सारे टॉपिकों को कंप्लीट कराया जाएगा, बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव वे में टॉपिक को कंप्लीट कराया जाएगा। बस आप लोग थोड़ा सा इस चैनल को सपोर्ट करें, उसके बाद देखें कि आप लोगों को मैं किस लेवल का एजुकेशन देता हूं।
तो बस इस प्लेलिस्ट को पूरे देख ले अच्छे से, और जो अब हमारा अगला प्लेलिस्ट शुरू होगा तो वो अब हम हिस्ट्री को शुरू करेंगे, तो वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होने वाली है हिस्ट्री जो क्लास होगी। और वैसे मेरा तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, तो इकोनॉमिक्स मैं सबसे बाद में पढ़ाऊंगा आपको, और इकोनॉमिक्स मैं दे रहा हूँ कि उस लेवल का पढ़ाया जाएगा कि आपने सोचा नहीं होगा कि इस लेवल का भी इकोनॉमिक्स कोई पढ़ा सकता है। और इसके बाद हमारा हिस्ट्री शुरू होगा, तो आप हिस्ट्री देख के वहाँ पे काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। तो नोट्स तो आपको लिखे होंगे, तो ऐसे नोट्स का होगा कि नोट्स मैं एक तरफ कर दूंगा यहाँ पे, और एक तरफ यहाँ पे कुछ मैं जो उस नोट्स में पॉइंट लिखे होंगे तो उसके फिगर भी होंगे। तो हिस्ट्री में बहुत फिगर का मायने रहता है, तो आपको हिस्ट्री याद नहीं होता तो उसमें कुछ हम फिगर का भी इम्प्लीमेंट मैं करूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो। और काफ़ी उसमें मैप वगैरह भी लगाया जाएगा कि जो इन्वेंटर थे, जैसे कि मान लीजिए कि जो मुस्लिम आए तो वो कहाँ से आए, तो जो आ रहे हैं हमारे जिसे आप बोलते हैं उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल, तो उसमें आ रहे जब आए तो वो कहाँ से आए ये हम देखेंगे उसमें। ये नहीं है कि बस हम देख लेंगे कि मध्य एशिया से आए, मध्य एशिया से कहाँ से आए ये भी आपको जानना पड़ेगा। तो उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे बहुत, और सभी चीज़ों का फिगर होगा इसमें, तो जितने सिक्के वगैरह होते हैं तो उनका भी हम फिगर देख देख के काफ़ी अच्छे से इसमें अपने क्लास को बढ़ाएंगे उसमें आगे। बस कुछ नहीं करना, आप लोग को रिवीजन करते जाना। ओके गाइज, थैंक यू। और नोट्स आप लोग जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके ले सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू।